हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन का सीरीज लेके आई हूँ। ये सेट एफ का अभ्यास वन है। ये डेली बेसिस पे मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। ये 50वां वीडियो है दोस्तों। डेली बेसिस पे यदि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन जरूर होगा। यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे UPTGT PGT हो, UPLT ग्रेट हो, अदर स्टेट के TGT PGT हो, चाहे KVS NVS हो, चाहे MP TET हो, MP मेन एग्जाम सुपर टेट हो, सभी में एक ही सिलेबस है दोस्तों। बस आप सभी टॉपिक को कवर कर लीजिए अच्छे ढंग से, चाहे उसके बेस पे किसी भी स्टेट का एग्जाम देंगे, जरूर क्वालिफाई होगा। तो जैसा कि MP TET देने वाले जो भी थे, जो क्वालिफाई हुए हैं, वो भी जो नहीं क्वालिफाई हुए हैं वो भी डेली बेसिस से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो क्वालिफाई हुए हैं वो अपने मेन एग्जाम का प्रिपरेशन करें। एंड दोस्तों, जिसने UPTGT को फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, उसका भी एग्जाम अगस्त माह में होने की 100% संभावना है। एंड एलटी ग्रेड का भी विज्ञापन आने वाला है, तो डेली बेसिस से मेरे साथ लग जाइए दोस्तों, एकदम डेडिकेशन के साथ। क्योंकि ध्यान और डेडिकेशन, ये दोनों चीजें आपको लगाना होगा, एंड धैर्य। एक ही दिन में आपको सब कुछ नहीं आ जाएगा। तो दोस्तों, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में। टेलीग्राम चैनल का भी नाम स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, एंड टेलीग्राम ग्रुप का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। सभी लोग अपना स्कोर चेक कीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों, लेजियम के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, लेजियम के संस्थापक थे अरस्तु। अरस्तु को एरिस्टोटल भी बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने विभिन्न अभ्यासों को पहली बार वर्गीकृत किया? तो अरस्तु ने किया। नेक्स्ट है, लेजियम डॉस किसकी देन है? तो लेजियम डॉस जो है ये महाराष्ट्र की देन है। नेक्स्ट है, पैलेस्ट्रा और डिरास केलियम प्रसिद्ध थे? तो पैलेस्ट्रा और डिरास केलियम दोनों एथेंस में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट, पैलेस्ट्रा किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? तो यह व्यायामशाला, एथेंस काल में व्यायामशाला को पैलेस्ट्रा बोला जाता था। नेक्स्ट है, मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? तो हमारा शरीर जो है 70% जल से बना हुआ है। तो हमारे शरीर में कितना परसेंट जल का है, जल पाया जाता है? तो 70%। नेक्स्ट है, निम्न से किसमें जल का सर्वाधिक प्रतिशत होता है? तो दोस्तों, जल का सर्वाधिक प्रतिशत होता है लार में। किसमें होता है? लार में जल का सर्वाधिक परसेंट होता है, लार में जल का सर्वाधिक परसेंट होता है। यानी कि 1 से 1.5 लीटर लार प्रतिदिन स्त्रावित होता है लार ग्रंथियों से। हमारे मुख में लार ग्रंथि पाई जाती है, जिसे सिलरी ग्लैंड कहते हैं। 3 लार ग्रंथियां जो है 3 जोड़ी यानी कि 6 होती हैं, 3 एक तरफ और 3 दूसरे तरफ, जिसमें से 3 जोड़ी है, 3 प्रकार की होती है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड। लार ग्रंथि से लार स्त्रावित होता है। लार में एंजाइम्स एंड स्लेष्मा एंड जल पाया जाता है। एंजाइम्स में टैलिन और लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है। टैलिन एंजाइम जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है तथा स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो हमारा पाचन की प्रक्रिया होती है, मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, और भोजन का संपूर्ण पाचन और संपूर्ण अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत में होता है। तो सभी टॉपिक से MP TET में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आपको कोई शिकायत नहीं होगा कि ये टॉपिक नहीं पढ़ा गया था। इस टॉपिक पाचन तंत्र से हो गया, चाहे हड्डियों से हो गया, सभी चीजों से
आया हुआ था। यदि आपने मेरे चैनल पे पढ़ा होगा तो अवश्य सही आंसर दिए होंगे। नेक्स्ट है, पेशी उत्तकों में जल का परसेंट क्या होता है? तो हमारे शरीर में 70% और पेशी उत्तकों में जल का परसेंट पूछेगा तो 75%। ये दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा। शरीर में कितना परसेंट जल होता है तो 70%, मांसपेशियों में कितना होता है तो 75%। नेक्स्ट है, पेशियों में जल किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, जितना उसमें जल की मात्रा होगी उतना ही उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर द्वारा नियमित तापमानों पर प्रतिदिन कितना जल निष्कासित होता है? तो दोस्तों 1 गैलन, यहां पर राइट होगा 1 गैलन, कितना होगा 1 गैलन, अगर एमएल में पूछेगा तो 2500 से 3000 ml होगा, यानी कि 2.5 से 3 लीटर प्रतिदिन जल हमारे शरीर से निष्कासित होता है, जिसमें से यानी 2500 से 3000 ml जो है प्रतिदिन मानव शरीर से जल का निकास होता है। और किस किस रूप में होता है? तो मूत्र से 1500 ml, प्रतिदिन मूत्र से कितना निष्कासित होता है जल का 1500 ml, पसीना से 900 ml, श्वसन से 400 ml और मल से 200 ml। नेक्स्ट है, कोहनी को आधार मानकर कलाई जो है उंगलियों के कहां पर स्थित होती है? तो इसको समझने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इन्फीरियर, देखिए इन्फीरियर मतलब ऊपर, इन्फीरियर मतलब नीचे एंड सुपीरियर मतलब ऊपर, प्रॉक्सिमल मतलब समीप एंड डिस्टल मतलब दूर बाहर, ठीक है, डिस्टल मतलब बाहर। तो यहां भी आप को क्या कहना है कि कोहनी को आधार मानकर कलाई जो है उंगलियों के कहां पर स्थित है? तो उंगलियों के समीप स्थित है, तो प्रॉक्सिमल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नंगे पांव दौड़ने से क्या होता है? तो दोस्तों नंगे पांव दौड़ने से अंकुश कृमि यानी हुकवार में संक्रमण हो जाता है, इसलिए नंगे पांव नहीं दौड़ना चाहिए। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य होता है संक्रमण से लड़ना, ठीक है, संक्रमण से लड़ना। नेक्स्ट, सममितीय संकुचन यानी आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन में पेशी क्या होती है? दोस्तों आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन में जो पेशी होती है, आइसोमेट्रिक का शाब्दिक अर्थ पहले समझिए, आइसो मतलब सेम, मेट्रिक मतलब लंबाई, यानी सेम लंबाई, लंबाई ना छोटी होगी ना बड़ी होगी, ठीक है। तो यहां पे राइट आंसर होगा ग, ठीक है। तो दोस्तों स्ट्रेंथ यानी शक्ति को डेवलप करने की 3 विधियां हैं, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। आइसोटोनिक की खोज ली डोने ने 1953 में किया था। आइसोटोनिक का शाब्दिक अर्थ होता है आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब तनाव, यानी सेम तनाव होता है, पेशियां छोटी बड़ी होती है, यानी 2 प्रकार की इसमें क्रिया होती है, कंट्रक्शन और इसेंट्रन, कंसेंट्रिक इसेंट्रिक, यानी कि मुड़ता है और फैलता है, यानी छोटी बड़ी होती है। अन्य जो गति होती है प्रत्यक्ष दिखाई देती है आइसोटोनिक में, और शक्ति प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि होती है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक के अंतर्गत कैलिस्थेनिक व्यायाम, एक ही स्थान पर दौड़ना, वेट ट्रेनिंग, मेडिसिन बॉल थ्रो आदि आ जाते हैं। यह उपकरणों के साथ और बिना उपकरणों के साथ दोनों के साथ किया जाता है आइसोटोनिक। एंड आइसोमेट्रिक जो होता है जिसका खोज हेटिंगर और मूलर ने 1954 में किया था, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सेम लंबाई, यानी इसमें पेशियां न लंबी होती है न छोटी होती है, यानी आप कोई प्रत्यक्ष गति नहीं दिखाई देती, कार्य होता दिखाई नहीं देता, पेशी की लंबाई सेम होती है, नो परिवर्तन, स्थिर अवस्था में होती है, जैसे दीवार को धक्का मारना। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, आप किसी चीज में शिकायत नहीं कर सकते हैं, बस मेरे साथ बने रहिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। एंड दोस्तों तीसरा होता है आइसोकाइनेटिक, जिसकी खोज जेम्स पेरिन ने 1968 में किया था।
दोस्तों यह मशीनों की सहायता से किया जाता है। आइसोकाइनेटिक जो है पानी वाले खेलों में ज्यादा किया जाता है, जैसे रोइंग, नाव खेलना, तैरना आदि। नेक्स्ट है स्केपुला। इसका नास्थि कहां स्थित है? तो स्केपुला ऊपरी पीठ अपर बैक में स्थित होता है। कौन सी मांसपेशी कहां पे स्थित है, किसका क्या काम है, इसका मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को थ्योरी वाले सेशन को आप देख लीजिए, सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट लैडिवस डॉर्सी कहां होती है? तो दोस्तों यह होती है पीठ में। कहां पे होती है? पीठ में। यह लैटिमस डोर्सी जो होता है स्विमर मसल्स बोला जाता है इसको। कौन सा मसल्स बोला जाता है? स्विमर मसल्स बोला जाता है लैटिमस डोर्सी को। ठीक है, लैटिमस डोर्सी को स्विमर मसल्स बोला जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो कौन सी मांसपेशी का क्या कार्य है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको ज्यादातर ध्यान में रखिएगा। तो लैटिमस डोर्सी रोइंग मसल्स है एंड लैटिमस डोर्सी को स्विमर मसल्स भी बोलते हैं। एंड बॉक्सर मसल्स आपका सेरेटस एंटीरियर है। जैसा कि दोस्तों जो किस मांसपेशी का क्या कार्य है उस वाले वीडियो में मैंने बॉक्सर मसल्स का गलत बताया है, इसलिए बॉक्सर मसल्स को बता दे रही हूं आपको कि सेरेटस एंटीरियर होता है एंड रोइंग मसल्स होता है लैटिमस डोर्सी और स्विमर मसल्स होता है डेल्टॉइड एंड लैटिमस डोर्सी दोनों। एंड थ्रोइंग मसल्स होता है जो हमारे वक्ष पर होता है पेक्टोरलिस मेजर। एंड टेलर मसल्स बोलते हैं सार्टोरियस को। मलखम और राइडर मसल्स बोलते हैं एडक्टर मंगस को। लिफ्टर मसल्स बोलते हैं डेल्टॉइड मसल्स को। कॉफ मसल्स गैस्ट्रोनेमियस को। ठीक है, ये सभी पेशियां आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों लॉर्डोसिस का एक नाम यह भी है, यह पोस्टर डिफॉर्मिटीज क्वेश्चन है दोस्तों। लॉर्डोसिस, काइफोसिस, नॉकनी, बाउले एंड स्कोलियोसिस, ये सभी आपके पोस्टर डिफॉर्मिटीज होते हैं जो गलत खान पान गलत आसन के कारण होता है। तो जैसा कि लॉर्डोसिस में क्या होता है, कमर वाला भाग जो है उसे बीच में गड्ढा हो जाता है। ठीक है, कर बन जाता है। तो लॉर्डोसिस को हम हालो बैक, स्वे बैक, बैक पोस्टर डिफेक्ट, सेडल बैक आदि नाम से जानते हैं। कमर वाले भाग जो है में आगे की तरफ अत्यधिक कर बन जाता है इसमें। तो यहाँ पे क्या बोला है कि लॉर्डोसिस को यह भी कहते हैं। तो यहाँ पे पार्श्विक पृष्ठ हो जाएगा, यहाँ पे आंसर पार्श्विक पृष्ठ दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन बुक में कहीं पर ऐसा नहीं दिया है, इसलिए इसमें थोड़ा मुझे डाउट है, बट आंसर ग ही होगा। तो इसको आप अच्छे से चेक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे राउंड राउंड बैग जो होता है वो तो कहते हैं राउंड बैग को, काइफोसिस यानी कि गुबड़े को कहते हैं। तो एक आपका इसमें पोस्टर डिफॉर्मिटी में आता है काइफोसिस, जिसे हम गुबड़ा कहते हैं हिंदी में। तो काइफोसिस को राउंड बैक, हंच बैक, गोल पीठ, घुमावदार पीठ आदि नामों से जाना जाता है। एंड लॉर्डोसिस जो होता है इसको हम हालो बैक, स्वे बैक, बैक पोस्टर डिफेक्ट, सडल बैक आदि नामों से जानते हैं। एक होता है स्कोलियोसिस, जो मेरुदंड की पार्श्व कुब्जता लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन होता है, यानी कि मेरुदंड जो होता है एक ओर झुक जाता है, यानी कि शोल्डर एक तरफ और हिप दूसरी तरफ झुक जाता है स्कोलियोसिस में। इसमें सी और एस दो प्रकार की इसमें स्कोलियोसिस बनती है, जैसे सी सिंगल स्कोलियोसिस, एस डबल स्कोलियोसिस। एंड दो चीजें और आपको बार बार पूछा जाता है, बाउलेग या जेनुवरम, नाकनी या जेनुवलगम। बाउलेग को जेनुवरम भी कहते हैं, इसमें जो है इसको बंडीलेस बंडीलेग भी कहते हैं। बाउलेग में दोनों घुटने बाहर की ओर दाएं बाएं निकल जाती हैं, ओक आकृति बनाती हैं। और नाकनी क्या होता है, जेनुवलगम नाकनी, इसमें घुटने आपस में सट जाती हैं, टच करती हैं, एक्स की आकृति बनाती हैं। फ्लैट फुट के कारण इसको नाकनी होने की संभावना होती है। दो चीजें और पोस्टर डिफॉर्मिटी जो पूछी जाती है दोस्तों, फ्लैट फुट एंड क्ले फुट।
फ्लैट फुट को चपटा पांव भी कहते हैं एंड फ्लैट फुट को दूसरे नाम से पेस प्लेनस भी बोला जाता है, कई बार पूछा गया है। फ्लैट फुट क्या होता है कि जो हमारा खड़े होने पर पंजे, जो हमारा पैर का तलवा वाला भाग होता है उसमें कोई वक्र नहीं बनता है, यानी समतल होता है, जिससे पंजे चलने पर बाहर की तरफ आ जाते हैं, पंजे घूमकर अंदर की तरफ आ जाते हैं। इसमें जो फ्लैट फुट होता है दो प्रकार की इसमें आर्च आर्च बनता है, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल एड़ी से पैर के अंगूठे तक बनता है एंड ट्रांसवर्स जो होता है वो पैर की छोटी उंगली से अंगूठे तक बनता है। और जो होता है पंजा पांव, इसे क्ले फुट या पेस कैवस या हालो फुट या क्ले टॉज भी बोला जाता है, या फ्लैट फुट के विपरीत होता है। फ्लैट फुट में क्या होता है, कोई कर्व नहीं बनता है, समतल होता है तलवा, लेकिन क्ले फुट में ज्यादा कर्व बन जाता है, एकदम पंजे पशुओं की खुर की तरह मुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पोस्टर डिफॉर्मिटी से कुछ टॉपिक था जिसे मैंने आपको क्लियर किया। आप रिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स नहीं हेल्थ एजुकेशन के प्लेलिस्ट में जाकर के। नेक्स्ट दोस्तों पैराबोला है। पैराबोला जो है दोस्तों मुक्त वायु में प्रक्षेपित किसी पदार्थ का मार्ग है। ठीक है, जैसे कि यहां पे हम यहां से यहां तक किसी चीज को फेंक रहे हैं, ये आपका पैराबोला हुआ। क्या हुआ, पैराबोला हुआ। नेक्स्ट है विराम और गति जैसे इस पदों का अध्ययन किसमें होता है। क्या ही सी बात है, आप समझ गए होंगे, जैव यांत्र की बायोमैकेनिक्स में होता है। नेक्स्ट है किस प्रकार के उत्तोलक में भार और बल, भार जो है वो बल और आलंब के बीच में होता है। तो मैंने आपको कई बार बताया है इसका ट्रिक कि एफ आर ए, एफ आर ए नहीं दोस्तों, क्या है एफ ए आर और 312, यानी कि आपको ध्यान में रखना है आर के नीचे क्या है टू, यानी दूसरे प्रकार के उत्तोलक में रेसिस्टेंस यानी भार जो है बीच में होता है, एक्सिस और फोर्स के बीच। एंड प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में एक्सिस बीच में होता है फोर्स एंड रेसिस्टेंस के बीच। एंड तृतीय प्रकार के उत्तोलक में जो फोर्स होता है वो बीच में होता है एक्सिस और रेसिस्टेंस के बीच। ठीक है, तो यहां भी क्या पूछा है, भार बीच में है बल और आलंब के बीच, यानी कि रेसिस्टेंस यानी भार, रेसिस्टेंस यानी भार बीच में है फोर्स और एक्सिस के बीच, तो कौन सा होगा द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, कौन सा होगा दोस्तों, यहां पे ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। ठीक है, नेक्स्ट है गोलक और उल्लूखल संधि, यानी बॉल और सैकेट ज्वाइंट की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे हमारा कंधे और हिप आते हैं इसमें, तो इसमें सही प्रकार की गतियां होती हैं दोस्तों बॉल एंड सैकेट ज्वाइंट में, चाहे फ्लेक्शन एक्सटेंशन रोटेशन इलेवेशन हाइपर एक्सटेंशन सही प्रकार की थी। यहाँ पे आकुंचन प्रसारण यानी कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन परिक्रमण परिसरपण यानी रोटेशन घूर्णन एंड अति विस्तारण यानी कि हाइपर एक्सटेंशन, ये सभी प्रकार की गतियां होती हैं, तो इन सभी आपके राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है खेलकूद का कार्य निष्पादन किसका उपपरिणाम होता है। तो दोस्तों खेलकूद का जो कार्य निष्पादन होता है वह संपूर्ण व्यक्तित्व टोटल पर्सनालिटी का निष्पादन होता है, परिणाम होता है। नेक्स्ट प्रथम कायांतरण किस उम्र के बीच में होता है। तो प्रथम कायांतरण जो है वह 7 से 10 वर्ष के बीच में होता है। नेक्स्ट शिक्षण को प्रोत्साहित करने की सर्वाधिक प्रभावी विधि है। तो शिक्षण को प्रोत्साहित करने की सर्वाधिक प्रभावी विधि व्याख्यान विधि है। एंड शारीरिक शिक्षा की बात करेगा तो प्रदर्शन विधि आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीर और मन के संबंध का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर और मन के संबंध का सिद्धांत सर्वप्रथम प्लेटो ने प्रतिपादित किया था। किसने, प्लेटो ने।
मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यह किसकी युक्ति है दोस्तों? डेकार्ट का। डेकार्ट कहते हैं कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। सही बात है, जो आप सोचेंगे वही तो करेंगे, वही आप बन जाते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा आपके कार्य होता है, वैसे मस्तिष्क आपका मांसपेशियों को सिग्नल देती है, उसी तरह आप क्रिया करते हैं। नेक्स्ट है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, यह किसने कहा है? तो आप सबको पता है अरस्तु जी ने कहा है। नेक्स्ट है, शिक्षण के अनुवांशिक कारक हैं, तो जाहिर सी बात है लंबाई आकार प्रकार भार में जो वृद्धि होती है उसके अनुवांशिक कारक कहते हैं, जैसे कद और वजन, शारीरिक संरचना एंड शारीरिक गठन, ये सभी क्या है? अनुवांशिक कारक है। नेक्स्ट है, स्वजनित प्रशिक्षण एक विधि है, तो दोस्तों ये शरीर में शिथिलन लाने का एक विधि है स्वजनित प्रशिक्षण। नेक्स्ट, मनुष्य के व्यवहार की तुलना में पशु व्यवहार में निम्न में से कौन सी विशेषताएं मिलती हैं? तो यह सरलता, मानव परिवेश का कम प्रभाव, समानता, उपरोक्त सभी चीजें मिलती हैं। नेक्स्ट, मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से कौन प्रदान करता है? तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु मनोवैज्ञानिक, निरीक्षक, विषयी, ये सभी प्रदान करते हैं, उपरोक्त सभी आपके राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से क्या नहीं है? तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु अनुवांशिकता से प्रभावित नहीं है, सरल है, परिवर्तनशील है, परिवेश से प्रभावित है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु में निम्न में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो मनोविज्ञान जो है एक जटिल विज्ञान है, जटिलता पाई जाती है। नेक्स्ट, आजकल मनोविज्ञान व्यवहार की वैज्ञानिक जांच से संबंधित है, जिसमें कि व्यवहार के दृष्टिकोण से वह बहुत कुछ शामिल है जिसको प्रारंभिक मनोवैज्ञानिकों ने अनुभव किया था। एन एल मन द्वारा मनोविज्ञान की इस परिभाषा में निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? तो दोस्तों उत्तेजना, अनुक्रिया, आंतरिक अनुभव, ये दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है, उपरोक्त नहीं, क्योंकि ये आधुनिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। नेक्स्ट, आधुनिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु में आंतरिक अनुभव का ज्ञान निम्न में से किससे होता है? जो आधुनिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु है उत्तेजना, अनुक्रिया और आंतरिक अनुभव, इसमें से मान लो आंतरिक अनुभव का ज्ञान किससे होता है, इसमें कौन संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा अंतर्दर्शनीय रिपोर्ट, अंतर्दर्शनीय रिपोर्ट। नेक्स्ट है, आधुनिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से क्या है? तो दोस्तों उत्तेजना, अनुक्रिया, आंतरिक अनुभव, उत्तेजना, अनुक्रिया, आंतरिक अनुभव, ये दोनों आधुनिक मनोविज्ञान का विषय वस्तु है, तो क ख दोनों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से क्या नहीं है? तो वाटसन के अनुसार उत्तेजना, अनुक्रिया है बट आंतरिक अनुभव नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सी एरोबिक क्रिया मुख्यतः मनोरंजन के काम आती है? इसमें आसन है कैलिस्थेनिक, तालबद्ध व्यायाम, जॉगिंग, साइकिलिंग, जैसे कि ये चारों की चारों एरोबिक क्रियाएं हैं। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया, अनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन के बिना क्रिया। अनएरोबिक जो होता है ज्यादातर 2 मिनट तक की क्रियाएं होती हैं, 2 मिनट से ज्यादा की सभी क्रियाएं एरोबिक में आ जाती हैं। अनएरोबिक ज्यादातर स्ट्रेंथ को डेवलप करता है और एरोबिक एंड्योरेंस को डेवलप करता है, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। तो ये कैलिस्थेनिक, तालबद्ध व्यायाम, जॉगिंग, साइकिलिंग, ये चारों एरोबिक क्रिया है, लेकिन पूछा क्या है कि कौन सी जो चार एरोबिक क्रिया दिया हुआ है इसमें से मनोरंजन के काम कौन से आती है? तो रिदमिक व्यायाम यानी कि तालबद्ध व्यायाम आपका राइट होगा। नेक्स्ट, उस विशेष व्यायाम को क्या कहते हैं जो डंबल आदि की सहायता से मांसपेशी विशेष को शक्तिशाली बनाते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों भार प्रशिक्षण। क्या कहते हैं उसको? भार प्रशिक्षण। नेक्स्ट, भार प्रशिक्षण विधि का प्रयोग
सर्वप्रथम किस देश में किया गया? तो भारत शिक्षा विधि का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मनी में किया गया। कहां पे किया गया? जर्मनी में किया गया। चक्रीय प्रशिक्षण एंड सर्किट ट्रेनिंग मेथड का प्रतिपादन किसने किया था? तो 1957 में मॉर्गन एंडरसन ने इंग्लैंड में किया था। इससे स्ट्रेंथ एंड्योरेंस डेवलप होता है सर्किट ट्रेनिंग से, ठीक है। नेक्स्ट, परिधि प्रशिक्षण यानी कि सर्किट ट्रेनिंग विधि किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो दोस्तों एडमसन मॉर्गन ने 1957 में किया था इसको। यहाँ पे आपका 1953 दिया हुआ है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 1953 में और बुक में देखेंगे तो 1957 में दिया हुआ है, तो कंफ्यूजन है। बट यहाँ पे 1957 मैं राइट कर रही हूं, इसका विकास किया, लेकिन इसमें अस्तित्व में आया 1953 में, इसका विकास किया एडमसन मॉर्गन ने 1957 में, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, गरमाना रक्त के तापमान को बढ़ाता है, राइट है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियां प्रदर्शन को बढ़ाती हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डेवरीस का। किसका है? डेवरीस का। नेक्स्ट है, जो व्यायाम सामान्यतः या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आप समझ गए होंगे, आइसोमेट्रिक बोला जाता है। आइसोमेट्रिक व्यायाम जो दिखाई नहीं देते, जैसे दीवार को धक्का मारना, ऐसे पेशियां सेम लंबाई होती है, न घटती है न बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस व्यायाम में समानता गतियां प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जिसमें गति प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, पेशी छोटी बड़ी होती है, उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक व्यायाम। क्या कहते हैं? आइसोटोनिक व्यायाम। इससे क्वेश्चन 100% आते हैं, आपने देख लिया होगा चाहे कोई भी एग्जाम हो, आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक आइसोकाइनेटिक से क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो उसको क्यों ना आप अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट है, व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रदर्शन को देखकर व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर खिलाड़ी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाए, यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रदर्शन को देखकर व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर खिलाड़ी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है, तो यह सिद्धांत क्या कहलाएगा? आप समझ गए होंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। क्योंकि एक ही चीज हम सभी बालक को सिखाएंगे तो सही होगा नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है सभी में, सब में अलग अलग क्षमताएं, अलग अलग कौशल होता है, प्रकृति ने सभी में अलग अलग चीजें देखकर भेजा है, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो हर बच्चे की कंडीशन के आधार पर, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर हम उसको ट्रेनिंग देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरे समूह के लिए एक स्थान को तैयार करना पड़ता है, यह कौन सी अवस्था है? तो पूरे समूह के लिए तैयार किया जा रहा है, यानी कि नवसिखिया अवस्था है, यानी कि अभी वो प्रारंभिक अवस्था में है, नवसिखिया अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत प्रदर्शन एक व्यक्तिगत क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत कमी को देखकर उसे दूर किया जाए और खिलाड़ी को प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाया जाता है, यह कौन सी अवस्था होती है? तो दोस्तों यह भी नौसिखिया अवस्था होती है। अभी हम व्यक्तिगत कमी को देख रहे हैं, उसमें सुधार कर रहे हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं, यह भी नौसिखिया अवस्था है। नेक्स्ट, ट्रेनर व्यक्तिगत रूप से खिलाड़ियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखकर अधिक ध्यान दे सकता है, यह कौन सी अवस्था होता है? तो दोस्तों व्यक्तिगत रूप से उसको ट्रेनिंग दे रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता को देखकर अधिक ध्यान दे सकता है, तो ये एडवांस लेवल पर हो गया, यानी एडवांस अवस्था है। कौन सी अवस्था है? एडवांस अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी में शक्ति की कमी को शक्ति के विकास और तकनीकी में कमी को तकनीकी प्रशिक्षण के द्वारा दूर किया जा सकता है, यह कौन सी अवस्था होती है? तो यह अवस्था है नौसिखिया अवस्था। कौन सी अवस्था? नौसिखिया अवस्था। तो दोस्तों ये था 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। सभी क्वेश्चन दोस्तों हाई लेवल के हैं, सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% आने लायक है, एंड सभी इस प्रकार आप डेली बेसिस से प्रैक्टिस कीजिए। बस मेरे साथ सभी क्वेश्चंस को मैं
एक्सप्लेन भी करती जा रही हूँ अब आपको क्या चाहिए। मैं न कोई फीस ले रही हूँ, न आपको आपसे कुछ मांग रही हूँ, फ्री में सब कुछ दे रही हूँ, ठीक है। तो डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, बस आपका सिलेक्शन 100% होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में बताइए, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।